Thank you.
की वैसे रवि जी भी जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, आयोजन किया गया, लोगों को सम्मानित किया जाए, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो सभी लोगों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, और मैं यही कहूंगी कि मैं एक्टिव हूँ या रवि सोवरदास जी भी काम कर रहे हैं, तो ये भी प्रभु की कृपा होती है। करना बहुत लोग चाहते हैं, लेकिन कर पाना हर एक के लिए, मतलब हर चीज का साथ मिल जाना, सामर्थ्य और लोगों का साथ मिल जाना, ये भी कृपा से ही होता है। तो कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा है कि हम लोगों के काम आ पा रहे हैं, और रवि सोडा जी और उनकी टीम को भी मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि इस मंदिर के प्रांगण में हमेशा हम देखते हैं कि धार्मिक कार्यक्रम के साथ साथ कई सामाजिक कार्यों को भी वो आयाम देते हैं, और हमेशा ही भक्तगणों से भरा हुआ रहता है मंदिर, तो बहुत अच्छा लगता है। और आज उन्होंने हमें बुलाया, और हमेशा ही बुलाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि इनके कार्यों में कहीं ना कहीं हम भी निमित्त बनते हैं, और मैं इस मंच से इनका आभार भी व्यक्त करना चाहूँगी। जिस रीति ने एक अच्छे कार्य की सोच रखी है, मंदिर निर्माण का, भवन निर्माण, तो उसमें किस तरह से आप सहयोग देखिए, जैसा कि मैंने कहा, मैं बोलूँगी निर्माण तो हो चुका है, राइट, अब तो और कितना भव्य बने उसके ऊपर है। तो ये तो भक्तों की भक्ति होती है और ईश्वर की शक्ति होती है, तो मैं उसके लिए कोई बोलने की बात नहीं है। ईश्वर की शक्ति होती है और भक्तों की भक्ति होती है, तो वो कृपा होगी। ऑलरेडी प्रांगण इतना सुंदर है और हमेशा भक्त आते रहते हैं, और सभी को ईश्वर के दर्शन मिलते हैं, तो मुझे लगता है ये कार्य तो चलता रहेगा, लोग मिलते रहेंगे, कारवा बनता रहेगा। तो मैं कुछ बोलकर श्रेय लेना या किसी एक व्यक्ति की तरफ से बोलना मैं नहीं चाहूँगी, क्योंकि ये सबके मिलने से ही कार्य होता है। मैं यही कहूँगी कि बहुत अच्छा लगा, जिस प्रकार से इस वक्त देश के हालात बने, और कई वीर जवानों की शहादत भी हुई, और जिस प्रकार से हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री जी ने इतनी कठिन परिस्थितियों का, इतनी विपरीत परिस्थितियों का सामना कर उस पर विजय प्राप्त की, तो मेन इस परिस्थिति से जन जन में जो आक्रोश भी आया, और जो जन जन की भावनाएं सामने आई कि आज हर व्यक्ति, आप बोल सकते हैं गली से दिल्ली, हर नुक्कड़ पर लोग बाहर निकले, लोगों की आवाज़ बुलंद हुई, तो जन जागृति आई, और बहुत खुशी की बात है कि हम अभिनंदन जी के माध्यम से, मतलब वो रिटर्न तो आए, बट एक बहुत चेतना लेकर आए और एक खुशी की लहर लेकर आए, तो हम उनका स्वागत करते हैं। और हम उन लोगों के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष रूप से वो कार्य करते हैं, हम तो सिर्फ बहुत छोटे छोटे कार्य करते हैं, तो उनके लिए मैं और क्या बोलूं। लेकिन इस वक्त देश और ऊंचाइयों पर, मतलब मोदी जी से जितनी अपेक्षाएं थी, उन अपेक्षाओं पे तो वो खरे उतरे ही है, लेकिन कहीं ना कहीं इस वक्त इतनी विपरीत परिस्थितियों में कुछ कर दिखाना अपने आप में सराहनीय है। सक्षम न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। सभी देशवासियों को महाशिवरात्रि की, जिस तरह से शिवरात्रि का मौका है, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और इस मौके पे हम आज हम पहुंचे हुए हैं जिस तरह से मीरा रोड स्थित मंदिर पे, और इस मंदिर में एक रूप देखने को मिल रहा है, जहाँ पूरे भारत में मंदिर में आज लोगों की, भक्तों की लाइन लगी हुई है, वहीं इस मंदिर में भी लाइन भक्तों की लगी है। तो वहीं पर इस मंदिर के जो एक भव्य निर्माण के लिए रवि सोडा जी हमारे साथ मौजूद है, उन्होंने इस मंदिर में पूजा के साथ साथ एक अच्छे कार्यक्रम का भी आयोजन किया है। सबसे पहले देशवासियों को क्या शुभकामनाएं होंगी महाशिवरात्रि की? जी, महाशिवरात्रि की सबको हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और महाशिवरात्रि शंकर भगवान का बहुत बड़ा त्यौहार है, हमारे लिए जो शंकर भगवान के भक्त हैं उनके लिए बहुत बड़ा त्यौहार है। और सबसे बड़ी बात है कि आज सोमवार का दिन है, और सोमवार का दिन शंकर भगवान का दिन होता है, तो इस दिन महाशिवरात्रि का आना हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। तो जिस तरह से भगवान शिव से तो आप हर दिन जुड़े रहते हैं, लेकिन शिवरात्रि, महाशिवरात्रि हो या फिर कुछ शिव भगवान का खास मौका हो, तो किस तरह का आपका पूरा दिन होता है, किस तरह का आयोजन, क्या कुछ भावनाएं होती हैं? जी, वैसे देखा जाए तो मेरे सारे दिन है ना पूजा पाठ में ही बीतते हैं। सुबह 3:15 बजे से पूजा पाठ शुरू होती है, सारा दिन पूजा पाठ में चले जाता है। लेकिन महाशिवरात्रि के लिए स्पेशल तैयारी ये होती है कि 3 बजे यहाँ मंदिर में पहुँचना पड़ता है। मंदिर में आने के बाद में महारुद्र अभिषेक होता है, महारुद्र अभिषेक करने के बाद फिर भक्तों के लिए ठंडाई और साबुदाने का यहाँ पर इंतजाम करना पड़ता है, क्योंकि हमारा जो मंदिर है यहाँ पर 14,000 से 15,000 पब्लिक हमेशा यहाँ पर आती है, और बहुत काफ़ी भीड़ यहाँ पर रहती है। और सबसे पहले मैं अपने परिवार से, भोलेनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट के सदस्यों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, उन लोगों को धन्यवाद कहता हूँ कि वो लोग ने बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जैसे हर कार्यक्रम में लेते हैं,
और आप देख रहे हैं कि सभी आने वाले भक्तों का बहुत अच्छे से वो लोग ध्यान भी रखते हैं, अपने परिवार की तरह उनको दर्शन कराते हैं और सबको अपना समझ के ही वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जिस तरह से भारी संख्या में यहाँ पे कतार लाइन दिखाई दे रही है भक्तों के दर्शन करने के लिए, तो इतनी ज्यादा पब्लिक है यहाँ पर, तो ध्यान दे कि हर कोई दर्शन कर पाए अच्छे से, इसका कितना ध्यान रखते हैं रवि डी सोना? जी मैं इतना ध्यान नहीं रख पाता हूँ क्योंकि मैं ज्यादातर उन्हीं में ही बिजी रहता हूँ कि बड़े बड़े गेस्ट आते हैं, सेलिब्रिटीज आते हैं, नेता लोग आते हैं, तो उनके बीच में ही घिरा रहता हूँ। लेकिन मुझे मेरे परिवार पे, मेरी जितनी माताएं बहनें मेरे साथ में जुड़ी हुई है उन लोगों के ऊपर मुझे पूरा पूरा फेथ है, पूरा पूरा विश्वास है कि जो भी गेस्ट आते हैं या जो भी मेहमान आते हैं या जो भी भक्तगण यहाँ पर आते हैं उनका सबसे बहुत अच्छे तरीके से वो लोग ध्यान रखते हैं और बहुत प्यार से पोलाइटली एकदम सबको दर्शन भी कराते हैं। और बहुत अच्छी बात है क्योंकि सारे भक्त उपास में होते हैं और किसी भी एक भक्त के दिल से निकली हुई एक आह हमारे पूरे कार्यक्रम को फेल कर सकती है, तो हम लोग कोशिश यही करते हैं कि सबकी दुआएं हमारे साथ रहे और सबका साथ हमारे साथ रहे। और ये मंदिर तो एक मंदिर है लेकिन इसको जो एक भव्य रूप देना है उसके निर्णय लिया है आपने 2019 का, 2019 की शुरुआत हो चुकी है, तो किस तरह से आपका पूरा प्लान किस तरह से तैयार है और लोगों का किस तरह से, क्योंकि कोई भी जब एक काम करना होता है उसमें लोगों का सहयोग होना भी बहुत ज़रूरी होता है, तो किस तरह से लोगों का सहयोग मिल पा रहा है और क्या अनुरोध होगा लोगों से? जी आप देख रहे हो लोगों का सहयोग, मतलब आप देख रहे हो जहाँ पर ज़्यादातर ऐसे बेंच लगा के लोग घूम रहे हैं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आज 350 लोगों ने ये बेंच लगा रखा है और हमारे अपने परिवार में 1300 लोगों से ऊपर लोग जुड़ चुके हैं। सहयोग बहुत अच्छा मिल रहा है, सारे के सारे मेरे साथ खड़े हैं, सबकी एक ही आवाज़ है कि रवि सोढ़ा आज अकेले नहीं है और हमारी एक ताकत बन गई है, एक मुट्ठी बन गई है। मुट्ठी खुली रहती है तो ताकत नहीं होती, मुट्ठी बंद है और ताकत है, सबका हौसला बुलंद है, सब लोग इस मंदिर का निर्माण कार्य के लिए फुल जोश में है और सबने ये मुझसे वादा भी किया है कि हम पूरी तरह से आपके साथ है और इस मंदिर का निर्माण करके ही रहेंगे। 2019 में मंदिर का निर्माण, एक मंदिर का भव्य रूप हमें देखने को मिल सकता है? जी नहीं, 2019 में भव्य रूप देखने नहीं मिल सकता है, 2019 में तो इस मंदिर की शुरुआत होगी। जैसे कि हम लोग शिला पूजन अभी करने जा रहे हैं, अप्रैल या मई में शिला पूजन का कार्यक्रम होगा, उसके बाद में 2019 में हम लोग इस मंदिर के कार्य की शुरुआत करेंगे। निर्माण तो मेरे ख्याल से ये मंदिर निर्माण होते होते 2 साल कम से कम चले जाएंगे क्योंकि आप देख रहे हैं मंदिर का भव्य रूप है और पूरा जो भी काम है सारा मार्बल में है, तो ये सब काम होने में, पूरा कम्प्लीट होने में 2 साल कम से कम लग जाएंगे। तो इस मंदिर को किस तरह का रूप देना है, क्या रूपरेखाएँ होंगी, सब चीज़ों का क्या आपने पूरी चीज़ें आपकी तैयार है? हाँ, काफ़ी कुछ हद तक हम लोगों ने जो प्लानिंग की है उस प्लानिंग के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं और पहले हम लोग वृद्धाश्रम बनाने की सोच रहे थे बेसमेंट में, लेकिन अभी हम लोगों ने थोड़ा सा प्लान चेंज किया है क्योंकि हम चाहते हैं कोई भी बच्चे अपने माँ बाप को घर से बाहर ना निकाले, ये परंपरा ख़त्म होनी चाहिए, इसलिए हमने थोड़ा सा चेंज किया है। एक अनाथ आश्रम का हम लोगों ने सोच रहे हैं कि बेसमेंट में अनाथ आश्रम करेंगे और जो आप लोगों को बताया था पिछली बार भी मैंने, एक शादी का हॉल मैं चाहता हूँ कि ग्राउंड फ्लोर पर रहे ताकि यहाँ पर जितने भी गरीब लोग हैं या मिडिल क्लास के लोग हैं वो लोग एक एसी हॉल में अपने बच्चों की, अपनी बेटियों की शादी कर सके, एक मामूली से मामूली रकम यहाँ पर अदा करके, वो बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहे। जिस तरह से परिवार का, फैमिली का भी सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है और आपकी धर्मपत्नी हमेशा ही कार्यों में लगी रहती हैं, नज़र आती हैं, तो उनका किस तरह का सपोर्ट रहता है और वो किस तरह से एडवाइस कर पाती है इन सब कामों के लिए? जी बड़ा कठिन सवाल पूछे आपने, धर्मपत्नी का जहाँ नाम आता है, वाकई हकीकत बात है, शिव के शक्ति के बगैर शिव अधूरे हैं और उसी तरह से मैं भी मेरी पत्नी के बगैर अधूरा हूँ। उनका पूरा पूरा सहयोग मुझे हर काम में मिलता है, हमेशा मुझे थोड़ा भावुक हो रहा हूँ मैं, तो सहयोग मिलते रहता है उनका और हमेशा मेरे साथ में खड़ी हैं आप देख रहे हो, और काफ़ी मेहनत करती है, मेरी सारी तैयारी ज़्यादातर वही करती हैं, तो उनका बहुत पूरी तरह से मुझे सहयोग मिल रहा है। अभी मंदिर में भक्तों की भीड़ है, पूरे दर्शन कर रहे हो, पूरा ध्यान भी दिया जा रहा है कि सभी लोग अच्छे से दर्शन कर सके, तो ये पूरे दिन का आज क्या माहौल होगा, आज पूरे दिन तक किस तरह के पूरे कार्यक्रम का क्या कुछ पूरा शेड्यूल है? जी अभी ये जैसे कार्यक्रम चल रहा है, अभी बहुत सारे रुद्राभिषेक सारा दिन चलते रहेंगे, कुछ भक्तों के होंगे, फिर हमारे अपने ट्रस्ट का एक महारुद्राभिषेक शुरू होगा 8:15 के करीब, वो चलेगा कम से कम 11:15 या 12 बजे तक, तो सारे परिवार के साथ में बैठ के हम लोग वो महारुद्राभिषेक कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और अभी जिस तरह से अभिनंदन जी की बात करें, वो पाकिस्तान से लौट आए हैं और भारत का जो एक माहौल था बहुत ही ज़्यादा, जो हमारे शहीद, हमारे जो फौजी भाई शहीद हुए थे, लोगों में काफ़ी आक्रोश और गुस्सा था, लेकिन अब हमारे बीच जिस तरह से वहाँ से आए और उनके लोगों पे भी अटैक किया गया है, क्या कहना चाहेंगे इसमें, आपकी क्या, आप किस तरह से उनका अभिवादन करना चाहेंगे? जी मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि हमारे जितने भी
फौजी भाई शहीद हुए हैं उनके लिए हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी भी है, और आज भी मैं उनको तहे दिल से श्रद्धांजलि देता हूँ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और अभिनंदन जी वापस लौटे हैं उसकी हमें बहुत ज़्यादा खुशी है, हमारी तरफ से अभिनंदन जी को बहुत बहुत अभिनंदन। जिस तरह से आपने देखा कि रवि डी सोडा जी किस तरह से इस मंदिर के कार्य के लिए लगे हुए हैं, हर एक दिन वो यहाँ पर पूजा करते हैं, लेकिन आज महाशिवरात्रि का मौका है, भक्तों की जनसंख्या भी ज़्यादा होगी, लोगों की भीड़ होगी, तो इस बात का भी पूरा ध्यान देते हुए भोलेनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट के जो कार्यकर्ता लोग हैं, जो लोग जुड़े हुए हर लोग यहाँ पर कार्य करते नजर आ रहे हैं, ऐसा कहना था रवि जी सोडा जी का। तो रवि जी से हम आगे भी मिलेंगे, देखेंगे किस तरह से क्या कुछ कार्य यहाँ पर चल रहा है और भक्तों के लिए कितना खास यहाँ पर ध्यान दिया जाता है इस मंदिर में। कैमरामैन राम मिश्रा के साथ मैं शौनी सिंह, सक्षम न्यूज इंडिया, मुंबई। के पर्व पर हम इस समय मंदिर में मौजूद हैं, और जिस तरह से जय भोलेनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट के कार्यकर्ताओं का भी बहुत बड़ा हाथ होता है कि यहाँ पर अच्छी तरीके से सभी जो भक्त आ रहे हैं वो दर्शन कर सके, ऐसी हमारे साथ एक बीच है नीलोफर जी, तो नीलोफर जी भी काफी टाइम से यहाँ पर जुड़ी हुई है, तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि किस तरह से आप यहाँ कितने सालों से जुड़ी हैं और किस तरह से आप यहाँ पर देख रही हैं किस तरह से मंदिर के भव्य निर्माण की बात है, तो किस तरह से आप इस कार्य को देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हम सब हिंदुस्तानी हैं, तो मैं अगर मुसलमान हूँ तो यहाँ कैसे जुड़ी, बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है, तो मैं इस चीज़ को मन से मानती हूँ कि ऊपर जो ईश्वर है वो एक ही है, हमारा मानना अलग है, जो जिस घर में पैदा हुआ उस हिसाब से भगवान को, हिंदू लोग भगवान को पूछते हैं, मुसलमान लोग अल्लाह को पूछते हैं, क्रिश्चियन लोग गॉड को पूछते हैं, लेकिन है तो कोई एक ही शक्ति जिसको सभी मानते हैं। तो मेरा एक विश्वास है कि हम कहीं भी जाएं, जब हम अपने धर्म की इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, तो दूसरे की धर्म की भी रिस्पेक्ट हम कर सकते हैं और करते ही हैं। और मेरा मानना है कि मैं यहाँ जुड़ी जब से, ज़्यादा टाइम तो मुझे नहीं हुआ है, एक साल भर हुआ होगा जुड़ के, अभी मुझे शीला जी यहाँ लेके आई थी, मुझे अच्छा लगा कि इतने लोग, ये जो एक परिवार मिलके यहाँ एक काम कर रहा है इस मंदिर को बनाने में। और मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं जब इन लोगों को जानती नहीं थी, उससे पहले मैंने मेरे भाई की शादी यहाँ की थी, क्योंकि मेरी परिवार में सभी कास्ट के लोग हैं, मेरे घर में मेरी जो छोटी भाभी आई है वो बंगाली हिंदू है, तो उसकी शादी हमने अपने भाई के साथ इसी मंदिर, जब मैं रवि जी को, यश को, इसमें से किसी को भी नहीं जानती थी, लेकिन हमने ये मंदिर यहाँ पे ही पंडित जी से यहाँ पे सब टाइम वाइम लेके यहीं पे उनकी शादी करवाई थी, तब तो हमारे मन में ऐसा था भी नहीं। मैं जब यहाँ शीला जी मुझे लेके आई और जोड़ा, तब मैंने इन्हें बोला कि मैं इस मंदिर में पहले भी आ चुकी हूँ और मेरे भाई की शादी यहाँ हुई थी, तो ये एक मन की मेरी आस्था है कि एक अच्छा काम हो रहा है और मैं इसमें अपने तन मन से पूरा साथ देने के लिए तैयार हूँ, और मेरे साथ जितने लोग और जुड़ेंगे उन्हें मैं जोड़ूंगी। और मेरे मन में वो भेदभाव है ही नहीं कि मैं मुस्लिम हूँ तो मैं मंदिर में क्यों खड़ी हूँ, ये मंदिर के लिए मैं कार्य क्यों करूँ। मेरा मन ये है कि मैं जब मस्जिद के लिए कार्य कर सकती हूँ, मैं दरगाह के लिए कार्य कर सकती हूँ, तो मैं एक मंदिर के लिए भी कार्य कर सकती हूँ, क्योंकि हम कोई भी कास्ट के होने से पहले हम हिंदुस्तानी हैं, और हर हिंदुस्तानी का ये फर्ज होता है कि हम सब मिलजुल के यहाँ एक, जो भी एक अच्छा काम हो रहा है उसमें हम सब साथ में मिल के खड़े हों और साथ में काम करें। हर हर महादेव। कार्य करने में तो एक इतना अच्छा लगता है कि हम बता ही नहीं, शब्दों में तो इसकी गिनना है ही नहीं है। और रवि जी के साथ जो हम लोग जुड़े हैं तो ये मंदिर बनाने के लिए जुड़े हैं। मैं एक संदेश देना चाहती हूँ पब्लिक के लिए, सारी जनता के लिए, कि सब आके मिलके ये मंदिर के लिए सहयोग करें, और यही हमारी कामना है कि सब एकजुट होके ये मंदिर को जल्दी से जल्दी बनाने में जुट जाए। मैं मंदिर में, मतलब ऐसे तो एक दूसरे इंडिविजुअल के लिए हम लोग कार्य नहीं कर रहे हैं, हम लोग जो भी कार्य कर रहे हैं सब मिलजुल करके भगवान भोले बाबा के लिए कर रहे हैं, और पूरा इस मंदिर के निर्माण के लिए हम लोगों से जो भी सेवा हो चुकी, जो हो सकेगी, जितने लोगों को जोड़ सकेंगे, जिसको इस पुण्य काम में लगा सकेंगे, वो हम लोगों का काम है, वो चाहे भैया का सपोर्ट समझे या भगवान का, क्योंकि जब भगवान की मर्ज़ी होगी तभी हम सब इस मंदिर से जुड़े हैं, बिना भगवान की मर्ज़ी के ना हम रवि भैया से जुड़ते ना इस मंदिर से जुड़ते। तो ये है कि सबको मीन्स भगवान की सेवा करनी चाहिए, जो भी जिससे जैसी श्रद्धा से हो, तन मन धन से, वो सेवा करनी चाहिए। थैंक यू। हर हर महादेव। मैं पहले ऐसे ही मजाक मस्ती में जुड़ी, जो भी बोलती हो, शिव जी की इतना भक्त नहीं थी मैं, इधर आने से पहले शिव जी की भक्ति नहीं थी, गणेश जी का थोड़ा बहुत भक्त थी, बाकी सब भगवान को मांगने तो कॉमन, हर भगवान को देखा सर झुका लिया ऐसा था। लेकिन जब इधर जुड़ने के बाद कुछ ही दिनों में एक वाइब्रेशन मुझे मालूम पड़ा कि ये मंदिर में कुछ तो है, ये भगवान में कुछ शक्ति है,
जो मुझे अभी कहीं और ध्यान मेरा भटकता नहीं है। मंदिर का नाम लो तो मैं दौड़ी आती हूँ इधर ही। इधर मेरा रोज का दो बार तो दर्शन, एक बार तो हो ही जाता है, कभी कभार दो बार भी हो जाता है। तो उसको मैं काम या कुछ ऐसा नहीं समझती हूँ। मैं बोले शिव जी का बुलावा था इसलिए आज मुझे दो बार जाना पड़ा। एक बार गई तो एक बार आज बुलावा था एक बार, तो ज़्यादा से ज़्यादा बुलावा आते ही रहता है। तो मैं इसमें ज़्यादा खुशी रहती हूँ कि भाई कम से कम शिव जी का बुलावा सोच के मैं दौड़ी आती हूँ। मुझे अच्छा लगता है, मेरा भी एक ही सपना है कि इस मंदिर को जल्द से जल्द अच्छा बनाऊँ। हर एक किसका जिससे जितना हो सके सहयोग लेकर इस मंदिर के लिए कुछ ना कुछ करने का मेरा एकदम मैंने ठान लिया है। और ये करते रवि भाई, मैं कहूँगी कि यहाँ जितनी महिलाएं दिख रही हैं ना, उनको बहन से भी ज़्यादा सम्मान देते हैं वो। हम सब उनकी बहनें हैं। आज जो इतनी महिलाएं खड़ी हैं उनके साथ, ये एक तरह से उनका स्वभाव है, उनका नेचर है कि वो एक तरह से सबको साथ में लेके चलते हैं। ऐसे नहीं है कि वो अध्यक्ष रहते हैं, उनके ही नेतृत्व रहेगा, वही स्टेज पर रहेंगे, बाकी लोग नहीं। जितनी भी कमेटी मेंबर्स हैं, जितनी भी महिलाएं संस्था से जुड़ी हैं, सबको मौका दिया गया है कि वो स्टेज पे आएं, अपनी तरफ से कुछ बोलें, सबको मौका मिले कि यहाँ से शुरुआत करें बोलने की। तो ये बहुत अच्छी उनकी अध्यक्षता है कि उनकी अध्यक्षता हमें भी काम करके बहुत मज़ा आ रहा है। हम सब इकट्ठा हुए हैं साथ में कि जल्द से जल्द हम ये निर्माण पूरा करें और इनके आगे के जो प्लान्स हैं निर्माण करने के बाद, यहाँ हॉल के लिए बहुत सारे प्लान्स हैं। हम सब इनके साथ हैं, खड़े हैं और चाहेंगे कि जल्द से जल्द मंदिर डेवलप हो। थैंक यू। रवि भाई हमारे यहाँ के अध्यक्ष हैं और हम लोग सब मेंबर जुड़े हुए हैं उसमें, और लग ही नहीं रहे हम लोग मेंबर हैं। रवि भाई हमारे बहनों की तरह हमारे साथ बिहेव करते हैं और सब जैसे परिवार की तरह मिलजुल के रहते हैं। हर हर महादेव। मला या मंदिरामध्ये आल्यानंतर असं घरात, माझ्या घरातल्या स्वतःच्या घरात आल्यासारखं वाटतं आणि खूप प्रसन्न वातावरण इथे आहे। आणि इथे आल्यापासून मला एक वेगळीच फिलिंग, इथे एक एनर्जी जाणवते। हर हर महादेव। महादेव मैं भी बोलो हर हर। मैं जाएंगी रामेश्वर शिव मंदिर में खड़ी और रवि जी के नेतृत्व में किस तरह की भक्ति में यहाँ पर आती है, क्या कुछ कारण? ये मेरा दूसरा साल है इस मंदिर में और रवि जी के बारे में ये कहूँ तो हर साल जिस तरह से उन्होंने किया है प्रोग्राम उसी तरह से इस साल भी किया है। मंदिर का निर्माण होना है, हम सब उनके साथ खड़े हैं क्योंकि यहाँ पे परिवार खड़ा है और रवि जी ने हर तरह के लोगों को एक साथ जोड़ा हुआ है। यहाँ पे कोई अलग धर्म से नहीं है या जाति भेदभाव नहीं है और जिस तरीके से उन्होंने अपने परिवार को संभाला है, हम लोगों को संभाला है, तो मैं कहना यही चाहूँगी कि ये मंदिर बहुत भव्य बने, महादेव की कृपा उनके ऊपर बनी रहे, उनके परिवार के ऊपर बनी रहे और सबका सहयोग मिले। हर हर महादेव। देव, इस मंदिर में अभी जुड़ के मुझे भी 2 साल हो गया है। पहले तो हम लोग सिर्फ ज़्यादा लोग नहीं थे, 19 लोग ही थे और आज तो मीन्स बता ही नहीं सकते, 1000 मतलब ऊपर ही लोग हो गए हमारे पास, 1300 लोग जमा हो गए अभी तक। तो इस मंदिर में हम सोच रहे हैं कि आगे और मतलब प्रोग्राम्स करते रहे और आगे मतलब बढ़ते रहे और इस मंदिर का जो निर्माण का काम है वो पूरा करना है और हम सब इसके लिए तैयार है और जी जान से मेहनत करेंगे और इसके लिए हम लोग फुल कोशिश करेंगे कि जो भी हो सके हमारे से, जो भी हो सके इस मंदिर के लिए। और रवि सर और उनकी वाइफ वो तो है ही, मतलब वो तो ग्रेट है, बहुत अच्छे हैं, इसके लिए तो हम सब यहाँ पर जुड़े हुए हैं और आगे भी और भी लेडीज़ जुड़ते जाएंगे और हमारे जितने जहाँ जा सके हम जिससे भी हम मदद मांग सके हम कोशिश करेंगे, जितनी भी मदद हो सके हम लोगों से लेके आएंगे इस मंदिर के लिए। हर हर महादेव। आपके हाथ ऊपर नीचे हो गए, फेस कौन हो रहा है?